अस्सलाम वालेकुम, हियर वी स्टार्ट आवर व्लॉग। लोगों के काली बिल्लियां रस्ता काटती है, हमारा भूरे बिल्ले ने बिल्ला रस्ता काट दिया। बाबा है तुम्हारे लिए चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? की तरफ तो मैंने सोचा भाई को कह दूं यार उनके स्टॉक तक तो काट दें। आगे ये गोलगप्पे वाले भाई खड़े थे यार, रास्ते में 100 तरह की चीजें नजर आती है, बंदे का दिल करता है ये भी खा लो ये भी खा लो। आर यू कॉमेडी मी यार, इतनी गर्मी है ना, इतनी गंदी गर्मी है, मैं बता नहीं सकती। हर तरफ ये देख रहे हैं आप, 41 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है इस टाइम, गर्मी ने तो अन्नी डाली हुई है बकरी। खैर मैं आपको रास्ते में जो गायें भैंसे बकरे जानवर जानवर तो वैसे सब ही है, लेकिन चलो जो जो आएगा मैं आपको दिखाती चलती हूँ। तो ये जब अपने भाई के साथ कभी बाइक पे बैठ जाओ ना गलती से, तो वो बाइक को मौत का कुआं ही बना देते हैं। बस जिंदा सलामत मैं स्टाफ तक पहुंच जाऊं यही बड़ी बात है। बेटे ओ बेटे मौज कर दे, स्लो चला रहे हो? हाँ बहुत स्लो चला रहे हो। स्टॉप पे पहुंच गए, उफ अल्लाह यार बहुत गर्मी है कसम से। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मिलने गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कायदे के मुंह पे किसने ये पान फेंका है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। कायदे तो भी क्या सोचते होंगे, किनके वाले कर दिया मैंने मुलक। के बदले हमें ये 2 कॉइंस मिल ही गए हैं। स्टॉप का हाल देखें जरा, यहाँ भी इतनी धूप और इतना टेम्परेचर है कि बंदा पागल हो जाए मर जाए, बस यही रह गया बस बाकी। पहले तो बस ने तशरीफ रख ली है, आ जा यार खाली है, बस में एंटर होते हैं। एक तो बस समझ नहीं आती है आंटियाँ नीचे की बैठ जाती हैं, बस में इतनी गर्मी होती है कि मेरा भी दिल करता नीचे ही बैठ जाऊँ। पोलियो के कतरे पिलाएं, मेरी दोस्तों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं, लेकिन वो फिर भी ज़हनी मजबूर हैं। उनके पास दिमाग नहीं पाया जाता, काश ये मेट्रो वाली आंटी ने पहले मशवरा दिया होता। कंट्रोल ये तो कर्तव्य चौंक का ऐसे बता रही है जैसे इन्होंने इजाद किया था। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। बराए मेहरबानी सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत, कोई चोरी करना चाहे तो कर सकता है, खुलेआम इजाजत है। पैसे तो वैसे ही नहीं है, फकीर है। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हाँ वी आर एट अ स्टॉप ऑफ शमा, लेकिन हमारी लोगों की शमा जो है बिल्कुल बुझ चुकी है। उसने आज वाहिद एक नेकी वाला काम किया कि ठंडे पानी की बोतल अपने साथ लेके चली है। आई लव यू ब्रो। आजाद चाय वाले अंकल का भी घर जो है ना वो यहीं पाया जाता है। हेलो कैसी हो आप? ठीक हो? ओके जाओ, डर रही है तो खुद ही मुझे कह रही सलाम कर लेना, फिर डर के भागे। एंटर फाइनली एट यूनिवर्सिटी, यार गलती से आ ही गए हैं, पहुँचे हैं सलामत जिंदा। पहुँच गई हैं सामने मेरे अच्छे से मुझ जैसे गरीब दोस्त बैठे हुए जिस तपती गर्मी में बैठे हुए, पागल हो गए इतनी गर्मी में बैठे हुए। चलो चलो शाबाश, ये किस तरह की यूनिवर्सिटी है? हाँ जी भालू साहब। हेलो मिस्टर भालू ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी जल्दी याद आया, शर्म नहीं आती? बेशर्म आदमी तुम्हारा। वाह कौन चलाता है? अल्लाह ताला। बेशक अल्लाह ताला चलाते हैं, शर्म कर ले शर्म कर ले। ना शुक्र हो तुम लोग, फिर भी कहते हो गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है पसीना आ रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो आराम में। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। मंडी का वाकया सुना रहे थे आप, भाई सुनाओ जरा मंडी का वाकया। वैसे तुझे देख के तुझे तो नहीं बेचने लगे थे मंडी वाले? ये भी एक बड़ा है, इसकी कुर्बानी कर दो। लेकिन ऐसी यार देख तेरे पे भालू भी सूट कर, भालू भी सूट करता है, घोड़ा भी सूट करता है, अब हम क्या सोचें, अब पशु भी सूट करता है। हर किसी ने अपनी यूनिकनेस नेम रखे हुए, तेरे यूनिक नेम रखे हुए मैंने कहा है बेरे। अब लेकिन आप पे सूट, अब हम सीजन के मुताबिक नाम चेंज कर लेते हैं। अब बकरा ईद आ रही है तो तेरा नाम
भालू से चेंज करके हमने वैड़ा रख दिया। हमारे मुसलमान सर, अरे कहना क्या चाहते हो? हाईलाइट अंधेरा छाया हुआ है। जनरेटर का ऑन किया हुआ है यार, अभी सर कह रहे लाइट आ गई है, चल रहा। ओए हाँ, बैठे को सुकून ही नहीं है, जाके अपने अड्डे पे खड़ा हो गया। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। कौन सा मिर्गी का दौरा पड़ा है? हमारी क्लास यहाँ पे हो गई थी स्टार्ट, क्लास यहाँ पे खत्म हो गई है। कसम से नींद आना शुरू हो गई है, हद ही हो गई है ना, हैवी वाली नींद आई है। सर ने पढ़ाया, सर ने तो स्कूल से नहीं पढ़ाया, पीछे इसी लगा कह कह के हमने इस क्लास के लिए अटेंडेंस जान जिसके लिए हम आते हैं वो खत्म हो गए। अब तो घर जाना बनता है यार, नींद इतनी आ रही है, बेचारा बस घर जाके सो ही जाए। चले जो गर्ल्स वॉशरूम में चले जो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, आते फिर गर्मी। हवा चल रही है लेकिन एकदम एसी से बाहर आओ ना तो वही गर्मी हो जाती है। फाइनली लेक्चर ख़त्म हो गया, कसम से बहुत नींद आती है अभी वाली, अब बस दिल कर रहा है घर पहुँच जाए किसी तरह। लेट्स सी, होप सो कि बस जल्दी घर पहुँच जाऊँ यार, बहुत थक गई। चलो राउंड यहाँ तोड़ के खानी होती है, ये टूटेगी तो फिर आएगी ना मेरे पे ना, ये अभी दो दफ़ा मेरे पे आ चुकी है, आ ही नहीं रही है। अपना रोज का मिशन है अंबियाँ तोड़ना, उसके बाद उसको काटना, आंटी से चाट मसाला लेके, प्लेट लेके, छुरी लेके उसको कट करके खाना। ये रात तो गेम बचाना। इधर से पत्थर मार लेना, इधर से या इधर से मार लेना भैया, दिखा ओ ओ ओ आ गई, वाह आ गई। हमारा बेड़ा दरख्त ही लाने लगा। फाइनली यार यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए और अब घर की तरफ चल रहे हैं। बहुत गर्मी है यार, सीरियसली लोग कर रहे हैं, ये फैल रही है उधर। ब्लॉग में ले आओ, अस्सलाम वालेकुम। चलो इधर यूनिवर्सिटी नहीं गए, चलो ठीक है ना, नहीं तुम लोग चलो, ओके अल्लाह हाफिज़। चलो तो वो लोग चले गई हैं बेकरी पे और मैं आती हूँ वापस घर की तरफ यार, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, इस टाइम कहीं भी जाने का कोई इरादा नहीं है। बैक टू होम, स्टेशन की तरफ चलते हैं। इधर से यार मुझे अंडरपास की तरफ जाने के लिए ना, अंडरपास कह रही सॉरी, स्टॉप की तरफ जाने के लिए अंडरपास से गुजरना पड़ता है और ज़्यादातर इधर लाइट गई होती है, अजीब है कसमें। क्या यार कैमरा क्या आ रहा है यार, कैमरा भी सही नहीं आ रहा है यहाँ पे, हद है। खैर यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, पीछे जिनके पास अब मोबाइल नहीं है वो बेचारे कैसे गुजर रहे होंगे। लाइट भी नहीं है इधर तो यार। खैर रोड क्रॉस करने के लिए तो ये अंडर पास है ना, रोड क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर रोड कवर है। खैर फाइनली बाहर आ गए इधर से, अब हम स्टॉप की तरफ चलते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यह मेन इशरा बाज़ार, यहाँ पे लोग ज़्यादातर शादी की वगैरह की फंक्शंस की शॉपिंग करने आते हैं। मैं से गुजरो ना तो कभी अंकल कोई कह रहा होता है गुड़िया अंकल ये ले लें बेटा ये ले लें, कोई कह रहा होता है व्हाट्सएप वाले लहंगे ले लें, तो यार इतने तो प्यार से इज्जत से तो कभी घर वालों ने नहीं पिलाया। यहाँ पे ये बड़ा स्यापा रहता है कि जब भी आओ ना तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्टेयर होती हैं वो बंद रहती हैं, तो हम लोगों को पैदल चल के जाना पड़ता है। कसम से आप देख रहे हैं इतनी स्टेयर्स हैं और नीचे भी इससे ज़्यादा डबल हैं, उफ। लिहाजा ना मैं दो दो स्टेयर्स चलती हूँ। आई एम एट शॉप, बस का वेट करी यार, बस जल्दी से आ जाए, बहुत गर्मी काबिल बर्दाश्त नहीं है यार। जब मैं बस में बैठी हूँ और वहाँ पे हम उतरे हैं तो एक आंटी हैं, उनका ये जो पर्स चोरी हो गया
इंतहाई अफसोस की बात है यार, कैसे लोग हैं, समझ से बाहर है। लोग जो चोरी करते हैं उन्हें शर्म नहीं आती किसी भी चीज़ की, कि कैसे भी चोरी कर लेते हैं, कि अगले के पर्स में क्या हो, कितने पैसे थे बेचारी आंटी, इतना दुख हुआ। फाइनली मैं अपने स्टॉप पे पहुंच गई थी और घर की तरफ जा रही थी, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पीछे से वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक साउंड था। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।